नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ओडियन टॉक में। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इम्प्योरिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आप NaCl का कॉमन सॉल्ट ले लीजिए और आप बोलते हो कि अभी प्योर फॉर्म में है। अगर उसी NaCl सॉल्ट में अगर आपने कुछ भी ऐड कर दिया तो अब यह प्योर नहीं रहा, यानी आप बोलोगे यह इम्प्योर हो गया है। दैट मीन्स इसे इम्प्योरिटी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अदर सब्सटेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे ही इम्प्योरिटी कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म की, यानी सॉलिड स्टेट के केस में क्या कहा गया इम्प्योरिटी, कि कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन है अगर आपने उसमें अनदर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर ऐड कर दिया किसी भी तरीके से तो उसे ही बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी डेफिनेशन क्या होगा कि दी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन दीज डिफेक्ट अराइजेज व्हेन व्हेन एन एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स और एडेड इट टू क्रिस्टल लैटिस, यानी कि जब क्रिस्टल लैटिस में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एक्स्ट्रा अराइज होता है या एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसे ही इम्प्योरिटी डिफेक्ट करते हैं। अब यह अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को दो तरीके से देखा गया है कि एन टाइप और पी टाइप, यानी टू टाइप्स, एन टाइप और पी टाइप, जिसे हम लोग आगे अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। यह सेमीकंडक्टर के केस में भी पढ़ना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हमें यहाँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझना है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस प्रोसेस से किया जाता है, तो यानी फॉरेन पार्टिकल किस प्रोसेस से ऐड किया जाता है, तो फॉरेन पार्टिकल्स आर एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, यानी डोपिंग प्रोसेस से फॉरेन पार्टिकल को हम क्रिस्टलाइन लैटिस में ऐड करते हैं। किसी भी बाहर से जो भी पार्टिकल ले आकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम ऐड कर रहे हैं उसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग को जनरल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डोपिंग होता क्या है। डोपिंग मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड डोपिंग, यानी जिस प्रोसेस से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं उसे ही डोपिंग कहते हैं हम। अब बात करते हैं कि डोपिंग के केस में ऐसा कौन सा हम चीज ऐड करते हैं, डोपिंग कहाँ किया जाता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में जो है किस फॉर्म में बिहेव करते हैं, तो इन प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए नॉन कंडक्टर, कि प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर जो होता है नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कोई भी सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म में नॉन कंडक्टर, वह नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वह सेमी कंडक्टर जो है प्योर फॉर्म में नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सिलिकॉन का, सिलिकॉन तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
पार्टिसिपेट करते हैं फॉर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब अगर किसी भी एलिमेंट्स के फ्री वैलेंस शेल में कोई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो वो एज ए सेमी कंडक्टर की तरह जो है एज ए यूज भी किया जा सकता है, लेकिन सम कंडीशन। और दूसरी चीज की वह बिहेव करेगा कैसा, वो उसका प्योर फॉर्म माना जाएगा और वह नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव किया जाता है। यानी कि अब से सेमी कंडक्टर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये बिहेव किया जा रहा है प्योर फॉर्म में, इसे नॉन कंडक्टर कर रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, कंडक्टर बनाना है, सिलिकॉन को कंडक्टर बनाना है। तो हमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करेंगे या एक्स्ट्रा कोई इम्प्योरिटीज इसमें मिलाएंगे, जिसकी वजह से यह हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी सिलिकॉन अब कंडक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डोपिंग, यानी कि प्रोसेस हमें क्या करना है, इम्प्योरिटीज को किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को कंपाउंड को हमें वह नॉन कंडक्टर है और हमें उसे सेमी कंडक्टर के फॉर्म में बनाना है, उसके अंदर कंडक्टिविटी को जनरेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस, डोपिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। और बाई डोपिंग प्रोसेस हम क्या करेंगे, उसमें कंडक्टिविटी को जनरेट करेंगे। तो बाय डोपिंग प्रोसेस में हमें अब कितने तरीके से हम डोपिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, तो डोपिंग जो होता है, डोपिंग प्रोसेस दो तरीके से होता है, यानी एक ऐसा जो ट्राइवेलेंट, पहला ट्राइवेलेंट और दूसरा पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब क्या है, ट्राइवेलेंट मीन्स कि दोज एलिमेंट्स इन विच देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल कॉल्ड ट्राइवेलेंट, कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। यानी अब यह किस तरह का इम्प्योरिटी बनाएगा, ट्राइवेलेंट आएगा। पेंटावेलेंट क्या करेगा कि दो एलिमेंट्स विच हैव 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल दैट इज कॉल्ड द पेंटावेलेंट, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल कॉल पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज। यानी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि डोपिंग दो प्रोसेस से होता है। डोपिंग प्रोसेस किस लिए करते हैं, इम्प्योरिटीज के लिए, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट के लिए, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस लिए, हमें किसी भी कंडक्टर को क्या करना है, उसके नॉन कंडक्टर को क्या करना है, कंडक्टिविटी भी ले आना है, यानी उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कैपेसिटी ले आनी है। यानी वह प्योर फॉर्म में है तो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, अब उसे हमें कंडक्टर बनाना है तो हमें उसके अंदर डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग किस लिए करनी पड़ेगी, हमें डोपिंग करने का हमारा मेन पर्पज क्या होगा, उसको कंडक्टर बनाना फॉरेन पार्टिकल से ऐड करके। तो इसके लिए हम दो तरह का करेंगे, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज बनाएंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कब होगी, जब ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके वैलेंस सेल में, यानी वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज तब होगी जब उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो और एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, NaCl। NaCl क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, NaCl का कंपाउंड्स लेते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे कॉमन कंपाउंड्स है। इसका हम क्या बनाएंगे, जैसे सपोज दैट कि हमने Na+Cl-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 Na+Cl
ये क्रिस्टल फॉर्म है इसका, एलएसीएल का।
अब हमें इसमें डोपिंग करनी है, यानी इसको हमें कंडक्टर बनाना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट दिखाना है। तो इसमें करेंगे क्या, हम अभी टोटल हमारे पास देखेंगे कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास माइनस चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, और हमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया किसका, SrCl2, SrCl2, और हीट किया कितना, 660 केल्विन से लेकर 1050 यानी 1050 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर हमें कितना रखना है, 660 केल्विन से लेकर के 1050 केल्विन रखना है। आप इस प्रोसेस पे हमें इसे क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे, और किसके साथ, SrCl2 के साथ। तो होगा क्या कि जैसे ही SrCl2 हम करते, तो SrCl2 किस में ब्रेक होता है, Sr+2 में, यानी Sr पे कितने चार्ज आएंगे, +2 चार्ज आएंगे। अब ये क्या करेगा कि एक Sr जो है, अब देखा जाए तो एक Sr डायरेक्टली इक्वल है 2 सोडियम आयन्स के, यानी 2 Na+ के, यानी एक मॉलिक्यूल Sr का एक एटम 2 एटम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, अब Sr जो है ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये रिप्लेस कर देगा, लेकिन कितने रिप्लेस करेगा, 2 को, याद रखिएगा, अकेला एक Sr 2 Na+ को रिप्लेस करेगा। तो एक यहाँ पे Sr+2 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी हो गई, यानी यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस काज कर गया। अब फिलहाल चार्ज मेंटेन करेंगे, देखेंगे हम 1 2 4 5 6, 6+ है, 1 2 3 4 5 6, 6- है, यानी न्यूट्रलिटी इसकी क्या है, मेंटेन हो गई। लेकिन एक चीज हमने इसमें क्या किया, ऑब्जर्व किया कि एक वैकेंसी कॉज हुई, यानी एक होल बन गया। ये होल बनने का पर्पज क्या है, कि इस होल से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इसी होल से ही होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स को होल्स बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे एनर्जी गेन करके। यानी जब भी ऐसे कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर को जब आप किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जब यूज करोगे, तो उनके लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट के लिए स्पेस। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है कब, जब उसके पास एक स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस क्या है, इक्वल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज तो टोटल इक्वल है, तो मेंटेन मूव कराए करेगा कैसे, तो उसको इस केस में क्या चाहिए, कोई एक होल चाहिए, एक स्पेसेस चाहिए, जिससे वो क्या करे, इस क्रिस्टल लैटिस के चारों तरफ क्या करे, मूव कर सके। मूव किया किसके थ्रू करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के मूव करेगा, जिसकी वजह से इसमें यह कंडक्टिविटी को शो करेगा, यानी इसी वैकेंस स्पेस की वजह से यह कंडक्टिविटी कॉज करेगा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना पॉसिबल हो सकेगा। तो आपने इसे देखा कि NaCl में क्या मिलाना है, हमें NaCl में SrCl2 मिलाना है, यानी कि एज ए इम्प्योरिटी के रूप में हमें क्या लेना है, SrCl2 का यूज करना है NaCl के केस में। अदर एग्जाम्पल के रूप में भी हम दे सकते हैं, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि और कहाँ भी होगा। जैसे AgCl में आप किसका मिला सकते हैं, CdCl2 का, यहाँ भी अगर देखा जाए तो सिल्वर पे कितना चार्ज है, प्लस है, और Cd पे कितना चार्ज है, +2 है, यानी कि अकेला एक Cd कैडमियम जो है दो दो सिल्वर आयंस को रिप्लेस करेगा, यानी जितने प्लस है वहां पे आप क्या कर दीजिए, Ag+ कर दीजिए, Cl- ऑलरेडी उसी तरह रहेगा, जहां पे आपका Ag+ है, Na+ है, उसको आप दिखा दीजिए डायग्राम में। अब इसमें प्योटीन में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपने Cd+2, Cd+2, तो ये सीडी, अब मैंने बताया था ऑलरेडी कि एक सीडी एटम जो है दो सिल्वर एटम्स को, आयंस को रिप्लेस करेगा, यानी कि अब यहाँ पे भी क्या हो गया, एक यहाँ से रिप्लेस हुआ सिल्वर, और एक यहाँ से हुआ। अब यहाँ पे तो क्रिस्टल लैटिस में Cd+2 ने स्पेस ले लिया, बट यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, वैकेंट हो गया, तो इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और यह इम्प्योरिटीज डिफेक्ट को शो करेगा, और इससे कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अब चार्ज भी मिला लीजिए, 1 2 4 5 6,
फोर फाइव सिक्स प्लस है, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स माइनस, यानी कि हमें किसी भी कंडीशन में न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखना है। तो ये हमारे टॉपिक था कि इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे डोपिंग करते हैं, किन किन प्रोसेस से डोपिंग करते हैं, डोपिंग है क्या, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आपने देखा, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी डाउट्स होंगे, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसका यूज क्या होता है, डोपिंग क्यों करते हैं। तो डोपिंग करने का हमारा, आपने क्या देखा कि किसी भी सेमी कंडक्टर हो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी इसका एक यूज है, क्या है कि टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, ये हमें सेमी कंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम डोपिंग प्रोसेस करते हैं। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज ले सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।